अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ बिश्रा एंड आप देख रहे हैं बिश्रास कोचिंग। लेट नॉट मैथ योर मिस्ट्री में आज हम आ गए हैं विद क्वेश्चन नंबर 2 of 2.5। पीछे वाली एक्सरसाइज जो है वो मैं वीकेंड पे करवाऊंगी जब छुट्टी होगी, ठीक है। फिलहाल छुट्टी नहीं है और बहुत सारा क्लासेस भी है मेरे पास, तो हम लोग यहीं से फिलहाल स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो चलिए जल्दी जल्दी इस एक्सरसाइज को ख़त्म करते हैं। अब जो है स्टूडेंट्स बोलेंगे यहाँ पर भी मैम आप जल्दी जल्दी कर रही हैं, आप क्लास में भी जल्दी जल्दी करती हैं, ठीक है ना। तो ऐसी वो बात नहीं है, लेकिन मतलब हम इसको जो है फास्टली सॉल्व करेंगे, बिकॉज अब हमें सारा का सारा मेथड साइंथेटिक डिवीजन का पता चल चुका है। बट यहाँ पर क्वेश्चंस जो है वो थोड़े से डिफरेंट होते हैं, उनकी स्टेटमेंट थोड़ी सी डिफरेंट होती है, ठीक है। बस उसी में कन्फ्यूजन होती है, तो वो कन्फ्यूजन हम दूर करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 2, एज यू कैन सी इन योर बुक्स एंड ऑल्सो हियर दैट यू साइंथेटिक डिवीजन टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इफ -2 इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो यहाँ पर हमें जो है इक्वेशन दे रखी है। अब ये -2 इज द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, इसका क्या मतलब है, वो जब हमारे पास साइंथेटिक डिवीजन आ जाएगी तब हमें पता चलेगा, ठीक है। सो चलिए फिलहाल हम लोग इसको एज इट इज यूज करते हैं, एंड हमारे पास जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ। द क्वेश्चन वॉज एक्स क्यूब, क्वेश्चन नंबर 2, एक्स क्यूब प्लस 4x² + kx + 8। और हमारे पास क्या है, -2 जो है वो हमें रूट गिवन है, ठीक है। सो आप इसको लिख दें r = -2 और a = -2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। पहले हमें रूट फाइंड करना होता था, अब हमें रूट उन्होंने ऑलरेडी दिया है कि इससे आपने साइंथेटिक डिवीजन करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर हम r यूज कर लेंगे, ठीक है। हर चीज़ को एक एक दफ़ा यूज़ करेंगे ताकि याद रहे कि इस चीज़ को इस चीज़ से भी डिनोट किया जाता है, a से भी डिनोट किया जाता है और r से भी डिनोट किया जाता है। तो जैसे कि हम हमेशा करते हैं, पहले कोफिशंट्स लिखेंगे इन सब के। यहाँ पर कोई भी वेरिएबल के पावर मिसिंग नहीं है, सो एज इट इज़ हम लिखेंगे। ये हो जाएगा 1, 4 और यहाँ पर आएगा k, x नहीं आएगा, सिर्फ k आएगा एंड 8, ठीक है। और हम लोग यूज़ कर रहे हैं -2 रूट फॉर सॉल्विंग दिस साइंथेटिक डिवीजन। अब ऑलरेडी यहाँ पर 0 है तो वो 0 ही रहेगा। आगे बढ़ेंगे, 2 0 0, ठीक है, और 1 आ जाएगा। सो यहाँ पर ऐड करेंगे अगेन 1, ठीक है। अच्छा, -2 एंड 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगा, -2। इन दोनों को ऐड करेंगे हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आ जाएगा 2। 2 और 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा -4, ठीक है। अब k -4, इन दोनों को हम ऐड नहीं कर सकते, सब्ट्रैक्ट भी नहीं कर सकते, बिकॉज दिस इज द यूनिक वेरिएबल, यूनिक कॉन्स्टेंट, कुछ भी आप बोल सकते हैं, बट दिस इज द यूनिक थिंग। अब यूनिक थिंग है, ये हमें फाइंड करना है, तो जाहिर सी बात है इन दोनों को हम ऐड तो नहीं कर सकते बिकॉज इनके बेसिस सेम नहीं है। तो हम लिखेंगे k -4, या फिर आप इसको लिख सकते हैं -4 + k। आंसर विल बी द सेम, ठीक है, इसीलिए मैंने दोनों लिख दिए यहाँ पे। एक मिनट आ देते हैं हम, ठीक है। नाउ k -4, यहाँ पर -2 है, मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा -2 × k - 4, ठीक है, ये हो गया। अब मल्टीप्लीकेशन में हो सकता है 2k के साथ मल्टीप्लाई हो सकता है, बट एडिशन में k और 4 ऐड नहीं हो सकता, ठीक है। सो मल्टीप्लीकेशन एडिशन के रूल अलग होते हैं, ये बोलते हैं एल्जेब्रिक रूल, और ये होते हैं आपकी 9th क्लास में चैप्टर नंबर 4। अभी जो है वो मैं करवा रही हूँ 9th क्लास को, तो अगर आपको एल्जेब्रिक रूल्स नहीं पता तो आप क्लास में आके अटेंड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये है हमारे पास -2k एंड -(-) + एंड दिस विल बी 4 × 4 = 8, ठीक है। तो अब हमारे पास आ गया है -2k + 8, ओके। नाउ लास्ट इन दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है। इन दोनों को किस तरह से ऐड करेंगे, -2k विल बी द सेम, उसमें ऐड हम नहीं कर सकते जैसे कि मैंने बताया, लेकिन कांस्टेंट कांस्टेंट को ऐड कर सकते हैं, तो 8 और 8 ऐड हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा हमारे पास 16, ठीक है। एंड दिस इज द रिमाइंडर, ठीक है, ये है हमारे पास रिमाइंडर। नाउ जो शुरू में बुक में कहा गया था कि स्टेटमेंट क्या थी, यस, इफ -2 इज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, कि -2 जो है वो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल होगा, ठीक है ना। इसका मतलब है कि जो रिमाइंडर है वो मस्ट हमारे पास जीरो के इक्वल होगा, ठीक है। तो चलिए यहां पर एक स्टेटमेंट लिख देते हैं, सिंस -2 इज अ जीरो
ऑफ द पॉलिनोमियल द रिमाइंडर मस्ट बी इक्वल टू जीरो. ठीक है, तो रिमाइंडर जो है मस्ट बी इक्वल टू जीरो का मतलब है कि जो भी रिमाइंडर आया है, मतलब ये रिमाइंडर जीरो नहीं होगा, लेकिन ये जो भी रिमाइंडर आया है इसको हम जीरो के इक्वल कर देंगे. ठीक है, सो ये स्टेटमेंट अगर आप लिखेंगे तो ये बहुत ही अच्छी स्टेटमेंट है. ये आपको बहुत हेल्प देगा. किस चीज़ के लिए हेल्प देगा? हेल्प देगा अंडरस्टैंडिंग कि हमने क्यों ये चीज़ यहाँ पर यूज़ की है, और ये सामने वाले को दिखाएगा कि भाई आपको ये चीज़ कितनी क्लियर है. ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको जीरो के इक्वल कर देंगे जो रिमाइंडर है हमारे पास. तो चलिए इसको हम इरेज कर देते हैं. अब हमारे पास जो है वो रिमाइंडर क्या बचा था, वो था माइनस टू के प्लस 18, वो क्या हो जाएगा, जीरो के इक्वल हो जाएगा क्योंकि हमने स्टेटमेंट लिखी थी. अब हमें k की वैल्यू निकालनी है, सो माइनस टू के इक्वल टू माइनस 18, एंड माइनस टू को बोथ साइड डिवाइड कर देंगे. ठीक है, k इक्वल टू माइनस इंटू माइनस खत्म, 2 और 18 खत्म, ये हो जाएगा 8, और k की वैल्यू आ गई है 8, एंड दैट्स ऑल. हमारा आंसर जो है वो फाइंड हो चुका है. होप कि सबको समझ आ गई होगी. नाउ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर. सो नाउ अब हम आ गए हैं विद क्वेश्चन नंबर 3, एंड क्वेश्चन नंबर 3 में अगर हम देखें तो हमें दो वैल्यूज, दो अननोन वैल्यूज फाइंड करनी है. बोला गया है कि यूज द सिंथेटिक डिवीजन टू फाइंड द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू इफ एक्स प्लस 1 एंड एक्स माइनस 2 आर द फैक्टर्स ऑफ दिस इक्वेशन. इक्वेशन ये है, रूट्स जो है वो फैक्टर्स ये है. अब हमारे पास रूट्स हमें फाइंड करने हैं, और ये वाला क्वेश्चन जो था इसमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम थी एक दो स्टूडेंट्स को, तो चलिए अब वो क्लियर हो जाएगी. इधर हमारे पास क्या है, x माइनस 1 एंड x प्लस 1 एंड x माइनस 2. ऑर्डर से यूज़ करेंगे, पहले इसको यूज़ करेंगे उसके बाद ये यूज़ करेंगे. ठीक है, अगर हमने ऑर्डर गलत किया तो इक्वेशन जो है वो प्रॉब्लम करेगी. ठीक है, तो ऑर्डर पर चलेंगे क्योंकि हम मैथ्स वाले हैं, हम ऑर्डर पर चलते हैं. ठीक है, तो x प्लस 1 ये हो जाएगा हमारे पास x माइनस ए के कंपेरिजन में, x एंड x विल बी कैंसिल, माइनस जो है वो दोनों साइड पर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी माइनस 1. ठीक है, नाउ द सेकेंड वन विल बी x माइनस ए के साथ कंपेयर करेंगे, ये हो जाएगा माइनस, x और x कैंसिल हो जाएगा, माइनस और माइनस भी कैंसिल हो जाएगा, a का आ जाएगा 2 रूट. तो दो रूट हो गए, माइनस 1 और 2. पहले माइनस 1 को यूज़ करेंगे उसके बाद 2 को यूज़ करेंगे. ठीक है, सो इसको हटा देते हैं ताकि यहाँ पर फिर हम लोग आगे की जो है सॉल्यूशंस कर सकें. अब अगेन हम वही काम करेंगे, कोफिशंट्स को सबसे पहले लिखेंगे. ये हो गया है 1, ये हो गया है p, दिस इज़ द q एंड दिस इज़ द 6. बहुत ही सिंपल सी इक्वेशन है. पहले माइनस 1 को यूज़ करेंगे रूट. ठीक है, सो यहाँ पर हमारे पास 0 है ऑलरेडी, सो 1 और 0 विल बी द 1, एंड 1 एंड माइनस 1 विल बी माइनस 1. अब अगेन p हमारे पास एक यूनिक जो है वेरिएबल है, तो क्या होगा, p माइनस 1 हो जाएगा. ठीक है, p माइनस 1. अब माइनस 1 को p माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस 1 एंड p माइनस 1 विल बी इक्वल टू व्हाट, माइनस p एंड माइनस इनटू माइनस प्लस 1. ठीक है, सो आप इसको लिख दें माइनस पी प्लस 1. सो हाँ, हम यहाँ पर करे थे, ये हो जाएगा हमारे पास क्या, माइनस पी प्लस 1, एंड साथ में प्लस q को भी लिख देंगे. ठीक है, अब हम हमेशा ऐसा करते हैं कि पॉजिटिव चीज़ को पहले लिखते हैं ताकि गड़बड़ ना हो. तो इट्स योर ओन चॉइस, आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं q माइनस पी प्लस 1 भी. ठीक है, ताकि आखिरी में कांस्टेंट आ जाए, बिकॉज कांस्टेंट ऐड होते हैं फिर. ठीक है, नाउ माइनस 1 को इस होल के साथ जो है वो मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा माइनस 1 एंड q माइनस पी प्लस ऑफ 1. मल्टीप्लीकेशन करेंगे, ये हो जाएगा माइनस q. ठीक है, एंड ये हो जाएगा प्लस p, ये हो जाएगा माइनस 1. साइन सबकी चेंज हो जाएगी, इसको अब यहाँ पर लिख देंगे हम. ठीक है, अब माइनस 6 को ज़रा, अच्छा इस 6 को हम थोड़ा सा दूर लिख देते हैं ताकि सारे टर्म्स जो आपस में इंटरेक्ट ना करें. ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास माइनस क्यू प्लस पी माइनस 1. सही, नाउ इन दोनों को ऐड कर देंगे. अच्छा, अब एडिशन यहाँ पर किस तरह से होगी, माइनस क्यू अपनी जगह पे,
अब इन सबको मैं हटा देती हूँ ज़रा। माइनस क्यू अपनी जगह पे, प्लस पी अपनी जगह पे, कांस्टेंट कांस्टेंट ऐड हो जाएगा तो माइनस वन, और प्लस सिक्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस फाइव। ठीक है, हमारी इक्वेशन जो है वो पूरी की पूरी बन गई है। बट हमें दो रूट्स दिए गए थे क्योंकि दो वैल्यूज फाइंड करनी थी, तो ये हमारे पास हो गया है फर्स्ट रिमाइंडर, आर वन इसको बोल देंगे। ठीक है, आर वन हो गया, एंड हमें पता है कि रिमाइंडर मस्ट बी इक्वल टू जीरो। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। नाउ आर टू, जो हमारे पास रूट टू था वो क्या था, मतलब रूट टू भी टू ही था बिकॉज यहाँ पर नेगेटिव है तो पॉजिटिव रूट। अब इसी को अगेन हम क्या करेंगे, सिंथेटिक डिवीजन में सॉल्व करेंगे। किससे, एक तो रूट था माइनस वन और दूसरा था रूट था टू, तो यहाँ पर अब टू यूज करेंगे। ठीक है, टू जीरो था हमारे पास जीरो। वैसे क्लास में इतनी खामोशी होती तो कितना मज़ा आता ना लेक्चर करने में, और सुनने में भी सबको मज़ा आता, बट नहीं है। सो ये है हमारे पास, नीचे वन ही आ जाएगा, टू वन ज़ा टू, यहाँ पर आ जाएगा टू। पी अपनी जगह पे, माइनस वन प्लस टू विल बी प्लस वन। ठीक है, अब टू और पी प्लस वन को मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन करते हैं, टू पी प्लस वन विल बी इक्वल टू टू पी प्लस टू। ठीक है, यहाँ पर लिख देंगे 2p प्लस टू, इन दोनों को ऐड कर देंगे। किस तरह से ऐड होगा, q अपनी जगह पे आएगा, p और p को ऐड कर देंगे, माइनस पी प्लस टू पी क्या हो जाएगा, प्लस p हो जाएगा, एंड 1 एंड 2 को प्लस करेंगे तो प्लस ऑफ 3 आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया है हमारे पास ख़त्म। इस रिमाइंडर को नहीं छोड़ेंगे, सिर्फ अंदर जो कोशेंट है सिर्फ उसको हम लोग जो है सिंथेटिक डिवीजन में लेंगे। नाउ दिस इज द रिमाइंडर टू, एक रिमाइंडर दो रिमाइंडर। अब इन दोनों की हेल्प से हम Q और P की वैल्यू दोनों को फाइंड करेंगे। ठीक है, सो चलिए सारे बाकी को इरेज कर देते हैं और दो जो हमारे पास रिमाइंडर बचे हैं उनको ले लेते हैं। सो रिमाइंडर वन एंड रिमाइंडर टू, जैसे कि मैं बार बार बोल रही हूँ कि रिमाइंडर मस्ट बी इक्वल टू ज़ीरो, तो यहाँ पर जो है हम क्या कर देंगे, ज़ीरो को पुट कर देंगे। ठीक है, सो हमारे पास क्या बनेगी, रिमाइंडर वन बन जाएगा माइनस क्यू प्लस पी प्लस फाइव इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, एंड आर टू विल बी क्यू प्लस पी प्लस थ्री इक्वल टू ज़ीरो। नाउ इन दोनों को आप एड सब्ट्रैक्ट करके आसानी से जो है P या Q की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर नेगेटिव P नेगेटिव Q है, यहाँ पर पॉजिटिव Q है, तो इन दोनों को ऐड करके हम ये वाला मामला ख़त्म कर देते हैं। तो ये हो जाएगा, इधर ही लिख देते हैं, ये हो जाएगा Q प्लस पी प्लस थ्री इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, इन दोनों को ऐड करेंगे। ठीक है, सो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, कैंसिल बिकॉज ऑपोजिट है, P और P को ऐड होगा तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा टू। ठीक है, सो ये हो जाएगा 2p, इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 8 इक्वल टू ज़ीरो। नाउ p की वैल्यू हमें चाहिए तो ये हो जाएगा 2p इक्वल टू माइनस 8। ठीक है, माइनस 8 आ गया, 2 को बोथ साइड डिवाइड कर देंगे तो p की वैल्यू क्या आ जाएगी, p की वैल्यू आ जाएगी माइनस 4। एंड दैट्स ऑल, पी की वैल्यू आ गई। अब आसानी से क्यू की वैल्यू आप कहीं से भी निकाल सकते हैं, या तो आप जो है रिमाइंडर वन यूज़ करें या तो आप रिमाइंडर टू यूज़ करें, इट्स अप टू यू। हम दोनों यूज़ करेंगे, दोनों से सेम वैल्यू आएगी। ठीक है, सो चलिए पहले इक्वेशन नंबर जो है मतलब रिमाइंडर नंबर वन में पुट करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा माइनस क्यू एंड पी की वैल्यू है माइनस 4 प्लस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, सो दिस विल बी माइनस क्यू, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास प्लस वन आएगा इक्वल टू ज़ीरो। ये हो जाएगा अच्छा माइनस क्यू को डायरेक्ट उधर भेज दें तो ये हो जाएगा क्यू की वैल्यू वन। ठीक है, तो क्यू की वैल्यू वन आ गई। नाउ इसको जो है रिमाइंडर टू में पुट करेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास क्यू माइनस 4, पी की जगह माइनस 4 लिख देंगे प्लस 3 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा क्यू इक्वल टू अच्छा इक्वल टू टाइम q इक्वल टू माइनस इंटू प्लस माइनस माइनस वन इक्वल टू ज़ीरो एंड दिस विल बी q इक्वल टू वन एंड दैट्स ऑल। q की वैल्यू दोनों से जो है हमारे पास क्या आई है, सेम आई है, तो मतलब कि हमारा जो p है वो ठीक है,
और इसी के साथ हमारी दोनों वैल्यूज़ फाइंड हो गई। आप सॉल्यूशन में लिखिए कि हमारे पास q की वैल्यू 1 है और p की वैल्यू -4 है। एंड दैट्स ऑल, हमारा आज का क्वेश्चन जो है वो कम्प्लीट हो चुका है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ।